भारतीय टीम के ओपनर मयंक अग्रवाल की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा है। दरअसल मयंक अग्रवाल 26 से 29 जनवरी के बीच त्रिपुरा में थे, वहां वो रणजी मैच खेल रहे थे, जिसके बाद आज 2:30 बजे वो अगरतला से इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर बोर्ड कर अपने घर वापस आ रहे थे। इस दौरान मयंक अग्रवाल को बोर्डिंग के टाइम ही उनके गले में जलन और बहुत तेजी से सूखापन महसूस होने लगा। इसके बाद जब उन्होंने शिकायत की तो उन्हें आनन फानन में प्लेन से डीबोर्ड किया गया और वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन से अभी खबर सामने आई है कि फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट हैं और पहले से हालात उनके बेहतर हैं। लेकिन आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल इस वक्त रणजी खेल रहे हैं और आने वाले समय में वो हैदराबाद के लिए आईपीएल में भी खेलते नजर आएंगे। जब ये मामला हुआ, इसके बाद अब इस मामले पर पुलिस भी अपनी जांच कर रही है, क्योंकि जांच में ये सामने आया है अब तक कि मयंक अग्रवाल को कुछ तरल पदार्थ पीने के बाद उनके गले में जलन महसूस हुई और इस बात की जानकारी उनके क्रिकेट एसोसिएशन ने भी दी है कि कुछ खाने के बाद मयंक अग्रवाल को गले में जलन होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब उनकी हालत पहले से बेहतर है और अभी वो फिलहाल अच्छी कंडीशन में है। लेकिन इस बात की अभी भी किसी भी एसोसिएशन या फिर पुलिस ने पुष्टि नहीं की है कि किस वजह से मयंक अग्रवाल के गले में जलन शुरू हुई थी या फिर अभी हालत उनकी कैसी है। लेकिन डॉक्टर्स और उनके परिवार के हुई बात के बाद ये पता चला है कि पहले से हालत बेहतर है और उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद है। और इसके अलावा वो अपना अगला रणजी मैच अब नहीं खेल पाएंगे, इसके बाद वो आईपीएल में खेलते नजर आएंगे, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।